नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल समर ऑलवेज में। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही खास होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उन सभी युवाओं को जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन नौकरी लगी नहीं है, हर महीने कुछ सहायता प्रदान करती है। बेरोजगारी भत्ता योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? 2019 बेरोजगारी भत्ता योजना अभी तक केवल राजस्थान में ही शुरू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों ने भी इसकी घोषणा कर दी है और जहां पर बेरोजगारी भत्ता योजना जल्दी शुरू हो जाने की उम्मीद है। बेरोजगारी भत्ते के लिए निश्चित उम्र सीमा क्या है? बेरोजगारी भत्ते को अप्लाई करने वाले युवा की उम्र 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट या लिंक हमारे इस आर्टिकल में दिया गया है, वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेरोजगारी भत्ते में कितने रुपए महीना मिलते हैं? बेरोजगारी भत्ते में आपको 1000 रुपये मंथ से लेकर 35 महीने तक मिल सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कैसे करें? बेरोजगारी भत्ता के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता कैसे ली? बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 बेरोजगारी भत्ता किस को मिल सकता है? बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बेरोजगारी भत्ता के लिए कैसे आवेदन करें? बेरोजगारी भत्ते में कितने रुपए मिलेंगे? बेरोजगारी भत्ता फार्म कैसे भरें? भारत सरकार ने सभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। अभी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन। इस योजना में आवेदन करने के लिए जहां लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा। अगर आप वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सेट करें। क्लिक करने के बाद इसका प्रिंट आउट और अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहिए। कुछ विज्ञापन आ रहा है। बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता। इस योजना में आवेदन करने के लिए फर्स्ट नंबर है जो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदक की जो उम्र है 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक कम से कम प्लस टू पास होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी होनी चाहिए। केवल बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय कुल मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। इस
ये लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर देकर। तो जो मेन मेन बात था दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया है। आस करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।